मित्रों, पुनः वस्तुनिष्ठ अंकगणित के सेशन में जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उस सेशन में YouTube चैनल न्यूमेरिक गैलेक्सी में फिर आप सबका स्वागत है। और इस बार हम बड़े टेढ़े सवाल, जिसको आप लोग पहली नज़र में इसे छोड़ना चाहोगे, लेकिन मित्रों, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप इसको समझ लो और ऐसी नौबत ना आए कि इसे छोड़ना पड़े। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। क्वेश्चन है, किसी संख्या को 585 से भाग देने के लिए एक विद्यार्थी ने भाग करने की संक्षिप्त विधि का प्रयोग किया। उसने 585 के गुणनखंडों 5, 9, 13 से क्रमागत विभक्त किया तथा क्रमशः शेष फल 4, 8 और 12 प्राप्त किया। यदि वह उस संख्या को 585 से भाग करता तो शेष फल कितना होता? तो मित्रों, मैंने इस प्रश्न के हल को कोशिश किया है कि हम प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाएं। तो मेरा प्रश्न है आपसे है कि सबसे बड़ी संख्या जिससे विभक्त किया तो वो है, जो गुणनखंड थे वो 13। तो 13 से भाग देने पर शेषफल कितना आया मित्रों? प्रश्न में लिखा है कि 13 से भाग देने पर शेषफल 12 आया है। शेषफल कितना आया है? 12। अब हम आगे बढ़ते हैं। माना कि वह संख्या x है तो हम x का एलसीएम प्रश्न के अनुसार लेंगे। तो x का एलसीएम जब हम 5 से इसका भाग देंगे x में, तो माना कि ये y माइनस 4 बार गया, क्योंकि शेषफल 4 आता है, इसलिए y माइनस 4। ये ध्यान दीजिएगा मित्रों, 4 है इसलिए हम x संख्या है, तो 5 से अगर हम इसका गुणनखंड करते हैं तो y माइनस 4। अब देखिए, अब दूसरी संख्या 9 है, तो 9 से अगर हम इसको भाग देते हैं y माइनस 4 को, तो ये z माइनस, क्योंकि 8 शेषफल बचता है इसलिए z माइनस 8 हम लिखेंगे। अब उसके बाद अगला क्या है कि 13 से भाग देते हैं, तो 13 से जब इसको भाग देते हैं तो ये आता है 1, एक बार जाएगा और शेषफल 12। तो 13 से भाग देने पर 1 माइनस 12। अब देखिए मित्रों, आगे क्या करना है इसको, आगे क्या करना है? आप देखिए, 13 से जब हम भाग दिए तो ये जड़ माइनस 8 को, तो एक बार गया और 12 शेष पर बचा। अब हम देखिए, जो जेड है हमारा, तो जेड में 13 से जब भाग दिए एक बार गया और 12 शेष बच बचा, तो हम पहले जेड की वैल्यू निकालेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे मित्रों? पहले हम जेड की वैल्यू निकालेंगे, और जेड की वैल्यू निकालने का हमारे पास ये तरीका है। 13 से भाग देंगे एक बार और 12 जोड़ देंगे, 13 + 12 कितना हो जाएगा मित्रों? ये आ जाएगा 25। अब उसके बाद हम y का मान निकालेंगे, तो y का मान हम कैसे निकालेंगे? जब y में z से भाग देंगे ना, तो z से भाग देने पर 9 से z में भाग देने पर 9, ये क्या कहते हैं, 9 × z + 8 आएगा, तो 25 × 9 होता है 225 + 8, ये आ जाएगा मित्रों 233 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 233 आएगा। अब उसके बाद हमें मिलेगा x, जो हमारी संख्या है, वो जो संख्या जिसकी डिमांड थी हमारी, वो संख्या अब मिलने जा रही है। y बराबर आया मित्रों 233, तो x बराबर होगा 5y + 4, तो ये हो जाएगा 5 × 233 + 4, तो 5 में 233 से गुणा करेंगे 1165 + 4, ये हो जाएगा 1169
तो ये 1169 ये इसका आंसर होगा, है ना। तो देखिए इसको कैसे करना है, ये एक ट्रिक है, ये फार्मूला है मित्रों। वो संख्या हमें प्राप्त हो गई और वो संख्या है 1169। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न ये है कि 585 से इसमें भाग देने पर, हम 585 से इसमें जब भाग देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा। तो आप देखिए 585 से इसमें ये हो जाएगा, एक बार जाएगा 585, एक बार जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 16 में से 8 गया 8, और 10 में से 5 गया 5। तो शेषफल मित्रों 584, शेषफल कितना होगा, शेषफल बराबर होगा 584। ये आपका आंसर, अब जाके आपका आंसर ये आएगा, ठीक है मित्रों। अगला सवाल भी सरल नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है कि सरल हो चाहे कठिन हो, मैं आपको हर सवाल के हल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसी सिलसिले में अब सवाल देख लीजिए आप। सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में से कितनी संख्याएं 132 से पूर्णतः विभक्त होंगी, और आपके पास जो नंबर है वो दिए हुए हैं 264, 264, 396, 462, 792, 968, 2178, 5184, 6336 मित्रों। और आपके ऑप्शंस हैं 4, 5, 6, 7। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 132 के हम गुणनखंड लेंगे, और 132 का गुणनखंड हमने लिया है 11 × 4 × 3। आप देख रहे हैं यहाँ पर 11 × 4 × 3 ये गुणनखंड है। तो हम किसी भी संख्या का जो है वो 132 से कटेगा या नहीं, तो हम इसको छोटे छोटे पार्ट में हम इसको इसका टेस्ट लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए 264 है, 264 अगर 132 से कट रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 11 से कटेगा। तो 4 से 264 कटता है या नहीं, तो हम देखते हैं 4 से कटने के लिए जो इकाई और दहाई के अंक ले लेते हैं, 64 है, 64 4 से कट जाएगा। अगला हम 3 से कटने के लिए क्या करते हैं मित्रों, इसमें अंकों को जोड़ देते हैं, 6, 2, 8, 4, 12, 12 3 से कट जाएगा। अगले बार क्या है कि 11 से कटने के लिए हम क्या करते हैं मित्रों, हम इसके जो इकाई और इकाई दहाई को छोड़ करके सैकड़े के अंक, इकाई इकाई और सैकड़े के अंक को जोड़ करके दहाई के अंक से घटा देते हैं। तो ये देखिए 4 और 2 हो जाएगा 6 माइनस 6 बराबर 0, और 0 होता है इसलिए ये 11 से भी कट जाएगा। तो आपका 264 जो है वो 132 से कट जा रहा है। दूसरा है आपका मित्रों 296, 396 आपका 4 से भी कट जा रहा है क्योंकि 96 है, 3 से भी कट जा रहा है क्योंकि अंकों का योग 18 है, और ये 11 से भी कट जा रहा है क्योंकि इकाई और सैकड़े के अंकों को दहाई के अंक से घटाने पर 0 आ रहा है, तो ये 11 से भी कट जा रहा है। तो ये आपका मित्रों ये भी आपका 132 से कट जा रहा है। अब 462 की बात है, 462 मित्रों ये आपका पहले ही 4 से ये नहीं कट रहा है क्योंकि इकाई और दहाई का अंक जो है 62 है, और ये 62 जो है वो 4 से नहीं कटता है, इसलिए ये संख्या आपकी 132 से नहीं कट रही है। अगला अंक है 792, 792 4 से कट जा रहा है क्योंकि 92 है, और ये 792 जो है ये 3 से भी कट जा रहा है क्योंकि अंकों का योग 18 है इसलिए भी, और 792 में इकाई और सैकड़े का अंक को दहाई के अंक से माइनस करते हैं तो 0 आ रहा है, इसलिए ये 11 से भी कट जा रहा है। तो ये अंक आपका 132 से कट जा रहा है। दूसरा मित्रों क्या है कि 968 4 से कट जा रहा है
लेकिन 968 जो है 4 से कट जा रहा है, लेकिन 968 में 3 से नहीं कट रहा है, क्योंकि अंकों का योग जो है 23 है, जो 3 का गुणज नहीं है, इसलिए 3 से नहीं कट रहा है, तो ये आपका कट गया। उसके बाद 2178 है मित्रों, 2178 जो है ये 4 से ही नहीं कट रहा है, इसलिए ये भी आपका अंक जो है 132 से नहीं कट रहा है, है ना, ये 4 से नहीं कट रहा है इसलिए 132। अगला अंक जो आपको दिया हुआ है 5184 है, 5184 जो है ये आपका 4 से कट जा रहा है, क्योंकि 84 है ये कट जा रहा है, और ये अंक 3 से भी कट जा रहा है, क्योंकि अंकों का योग 18 है, लेकिन यहाँ पर इकाई और ये 4 और 1 5 और 8 5 13, 13 माइनस 5 बराबर होता है 8, जो इसलिए ये 11 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये 11 से नहीं कट रहा है मित्रों। और ये लास्ट जो आपका 6336 है वो 4 से भी कट जा रहा है, और इसके अंक का योग 18 है इसलिए 3 से भी कट जा रहा है, और इकाई और सैकड़े के योग को दहाई और हजारवें के योग से घटाने पर 9 माइनस 9 जीरो आ रहा है, इसलिए ये 11 से भी कट जा रहा है। इसलिए इसमें जो कौन कौन सी संख्या, कितनी संख्याएं 132 से विभक्त होंगी, तो इसका जो सही आंसर होगा मित्रों 4 होगा, इसका सही आंसर होगा 4, ये दिस इज आंसर, ठीक है ना।